हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रंबल। मैं हूँ तुषार एंड चलिए शुरू करते हैं डिस्कस करना 16 अप्रैल के डेली करंट अफेयर एंड फॉर डेली क्विजेज, रेगुलर अपडेट्स एंड पीडीएफ्स। आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो जाके इसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो भी आपको कंटेंट मिलता है उसका फायदा उठाइए। सो चलिए शुरू करते हैं सेशन को विदाउट एनी डिले। सो ऑलरेडी देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका आज का, विच म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इशूड द फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड ऑफ इंडिया, यानी किस नगर निगम यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने भारत के पहले ग्रीन बॉन्ड्स को लॉन्च किया है, इशू किया है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर है आपके ऑप्शंस। सो देखिए, इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, गाजियाबाद। सो गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अभी भी इशू किए हैं आपके इंडिया के पहले ग्रीन बॉन्ड। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द NCAER, यानी NCAER के महानिदेशक के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर आपके ऑप्शंस। सो देखिए, इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पूनम गुप्ता। सो पूनम गुप्ता को अभी अभी अपॉइंट किया है डायरेक्टर जनरल ऑफ NCAER और ये फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल है NCAER की। अब देखिए है क्या आपका NCAER ये, तो देखिए NCAER होता है आपका नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। ओके, चलिए अब आगे चलते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट वॉन दी ई पंचायत पुरस्कार 2021, यानी 2021 का ई पंचायत पुरस्कार किस राज्य ने जीता है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर आपके ऑप्शन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, इसे आप मार्क कर लीजिए, काफी हाई चांसेस है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में इससे सवाल बन जाए। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तर प्रदेश। सो उत्तर प्रदेश राज्य ने अभी भी जीता है ई पंचायत पुरस्कार 2021। और चलिए अब कुछ बातें जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में जिनसे आपके एग्जाम में सवाल बन सकता है। सो देखिए, उत्तर प्रदेश में आपका दुधवा नेशनल पार्क है और टाइगर रिजर्व भी है, देन किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी आपको उत्तर प्रदेश के अंदर, देन एक रिहान डैम आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार आपका पूछा भी गया रिहान डैम आपका किस स्टेट के अंदर है, तो ये आपको उत्तर प्रदेश के अंदर और रिहान नदी के ऊपर ही बना हुआ है ये। देन देखिए, उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही फेमस स्कीम है, इसका नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। इसके अलावा देखिए, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना आपकी उत्तर प्रदेश की योजना है, देन अन्नपूर्णा भोजनालय स्कीम आपकी उत्तर प्रदेश की स्कीम है, और इसके अलावा बाल श्रमिक विद्या योजना भी आपकी उत्तर प्रदेश की। ओके, सो चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग दी फॉलोइंग अवार्डेड विद द सर रिचर्ड हेडली मेडल फॉर दी फोर्थ टाइम, यानी निम्नलिखित में से किसे चौथी बार सर रिचर्ड हेडली मेडल से सम्मानित किया गया, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर है आपके ऑप्शंस। सो देखिए, इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, केन विलियमसन। सो केन विलियमसन को अभी भी सम्मानित किया गया चौथी बार सर रिचर्ड हेडली मेडल से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडल आपका ये क्रिकेट की दुनिया में, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली जीन वेस लेड्रेन विजिटेड इंडिया ऑन अ 3-डे विजिट, ही इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, यानी भी हाल ही में जीन वेस लेड्रेन भारत दौरे पर है 3 दिन के, तो आपसे यही पूछ रहे हैं कि भाई ये किस देश के फॉरेन मिनिस्टर हैं यानी विदेश मंत्री हैं, क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। पर ये आपके ऑप्शंस, स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी या फिर फ्रांस। सो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, फ्रांस। सो फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर हैं आपके जीन वेस लेड्रियन। ओके, अब देखिए, फ्रांस की फटाफट से कैपिटल करेंसी और प्रेसिडेंट जान लेते हैं। सो देखिए, फ्रांस की आपकी कैपिटल है पेरिस, यहाँ की करेंसी है आपकी यूरो, और यहाँ के प्रेसिडेंट है आपके इमैनुअल मैक्रोन। कभी कभी एग्जाम में प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन बनता है, देखिए इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है, इसके प्राइम मिनिस्टर आपके जीन कैस्ट्रेक्स। इसके अलावा देखिए, कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और फ्रांस के बीच में होती हैं। सो देखिए, डेजर्ट नाइट जो कि अभी थोड़े दिन पहले हुई है, और गरुड़ा, ये आपकी एयरफोर्स एक्सरसाइज है जो इंडिया और फ्रांस के बीच होती है। देन इसके अलावा देखिए, शक्ति, ये आपकी इंडियन आर्मी और फ्रांस आर्मी के बीच में होती है। एंड देन है वरुणा, ये आपकी इंडियन नेवी और फ्रांस नेवी के बीच में होती है। ओके, सो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली योगेश प्रवीण हैज पास्ड अवे, ही इज फेमस फॉर व्हाट, यानी हाल ही में योगेश प्रवीण का निधन हो गया, ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। यहाँ पर आपके ऑप्शंस। सो देखिए, इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, हिस्टोरियन। सो आपके योगेश प्रवीण एक बहुत ही फेमस और कुख्यात हिस्टोरियन थे, आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज बीन रैंक्ड नंबर 1 ODI बैट्समैन बाय ICC, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा ODI यानी वन डे इंटरनेशनल, यानी जो एक दिवसीय आपके मैचेस होते हैं, इसमें नंबर 1 बैट्समैन कौन है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पर आपके ऑप्शंस, रोहित शर्मा, बाबर आजम, स्टीव स्मिथ या फिर विराट कोहली। सो देखिए, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बाबर आजम, यानी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कैप्टन बाबर आजम ने अभी भी इस स्पॉट को गेन किया आफ्टर डिफीटिंग साउथ अफ्रीका। ओके, सो ये अभी नंबर 1 है ODI रैंकिंग्स में। ओके, और इसके अलावा देखिए, जो विराट कोहली आपके सेकंड है और रोहित शर्मा आपके थर्ड पे। ओके, चलिए अब आगे चलते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली विच स्टेट अनाउंस द रिलीफ पैकेज ऑफ 5,476 करोड़ फॉर वीकर सेक्शन, यानी हाल ही में किस राज्य ने कमजोर वर्गों के लोगों के लिए
5476 करोड़ का एक राहत पैकेज की घोषणा करिए। क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं फिर आपके ऑप्शंस कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र राज्य ने अभी अभी अनाउंसमेंट करी है 5476 करोड़ के एक पैकेज की, जो कि वीकर सेक्शन के लिए होगा। ओके चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री विल होस्ट दी 22nd लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स, यानी कौन सा देश 22वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स की मेजबानी करेगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर आपके ऑप्शन जर्मनी, जापान, स्पेन या फिर साउथ कोरिया। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 स्पेन। ओके तो स्पेन बेसिकली ऑर्गेनाइज कर रहा है, होस्ट कर रहा है आपका 22nd लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। ओके चलिए फटाफट से इसकी कैपिटल और करेंसी जान लेते हैं। सो देखिए स्पेन का भी कैपिटल है मैड्रिड, यहाँ की करेंसी आपकी यूरो, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर आपके पेड्रो सैंचेज़। ओके सो पेड्रो सैंचेज़ हैं आपके प्राइम मिनिस्टर स्पेन के। ओके चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली ऑन विच डे वर्ल्ड शेगेस्ट डिजीज डे हैज बीन ऑब्जर्व्ड, यानी हाल ही में किस दिन विश्व शगैस रोग दिवस मनाया गया। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर आपके ऑप्शंस और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हाई चांसेस है कि आपके एग्जाम में से सवाल बन जाए। ओके सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 14th अप्रैल, यानी 14 अप्रैल को हम बनाते हैं वर्ल्ड शेगेस डिजीज डे। ओके यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ इसके बारे में, आप चाहते पढ़ भी सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, अगर आपकी क्यूरियोसिटी इसके बारे में जानने की तो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है चलिए आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं कल का क्वेश्चन फॉर यू जो दिया गया था आपको करने के लिए। सो देखिए कल का क्वेश्चन फॉर यू था आपका, हु इज द एक्सकवेटर ऑफ लोथल द साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी लोथल जो कि आपकी एक साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे आप हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, तो इसके एक्सकवेटर कौन थे। ठीक है यहाँ पर आपके ऑप्शन। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 एस आर राव, और काफी सारे बच्चों ने इसका करेक्टली आंसर किया था, मुझे काफी खुशी भी होती है जब इसका करेक्टली आंसर करते हैं। और देखिए एक खास बात है लोथल के बारे में, इसे आप डॉक यार्ड भी कहते हैं। ओके इसे हम क्या कहते हैं, डॉक यार्ड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन फॉर यू आप लोगों के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आज के भी क्वेश्चन को इसी तरीके से अच्छे से आंसर करेंगे। सो देखिए आज का क्वेश्चन फॉर यू है आपका, हु ऑर्गेनाइज दी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, यानी इनमें से किसने तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज करा था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। और ये जो क्वेश्चन था आपका SSC CHSL के एग्जाम के अंदर आया हुआ सवाल है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। सो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सर से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और तैयारी करते रहिए अपने एग्जाम्स के लिए, और सेफ रहिए अपने घरों में रहिए। आपको पता है COVID-19 के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सेफ रहेंगे और सैनिटाइजर्स का यूज़ करेंगे लगातार। अगर आप कुछ चीज़ को छूते हैं, टच करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं तो मास्क लगाइए, और इस तरह से आप कोरोना को हरा भी सकते हैं। तो विद दिस पॉजिटिव नोट ही एंड करते हैं सेशन को, बाय बाय।